I am Dr. Shubhadar Halkar, Professor of Zoology, Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur. Today, we will study mechanoreceptors in insects, which is part of the syllabus of Semester 4, Paper 3, Entomology. Mechanoreceptors Mechanoreception is the perception of any mechanical distortion of the body. दिस में रिजल्ट फ्रॉम टचिंग एन ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट ऑफ वाइब्रेशन फोर्स एक्जर्टेड बाई ग्रेविटी एंड इंटरनल बॉडी प्रेशर जब कोई इंसेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है चारों तरफ होने वाले वाइब्रेशन का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है ग्रेविटी का फोर्स उस पर एग्जर्ट होता है या इंटरनल बॉडी प्रेशर में चेंजेस आते हैं इसी तरह से अन्य मैकेन मैकेनिकल स्ट्रेस जब उसकी बॉडी पर पड़ता है तो जो रिसेप्टर ऑर्गन्स इसे परसीव करने का कार्य करते हैं उसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं और यह प्रक्रिया रिसेप्शन कहलाती है मैकेनो रिसेप्टर्स के जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं इसे हम सेंसिलम और प्लूरल सेंसिला कहते हैं ये सेंसिलम न सिर्फ रिसेप्टर के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट वरन कीमो रिसेप्टर्स के जो रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें भी हम सेंसिलम ही कहते हैं इनके मुख्य निम्न भाग हैं पहला क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स जैसे माइक्रोट्राइकिया या हेयर असोसिएटेड शीथ सेल्स जो कि किसी कैविटी या वैक्यूल को एनक्लोज करती हैं जिसमें स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं और न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स इन स्ट्रक्चर्स के बेस तक पहुँचते हैं और मैसेज को एक्सॉन्स के थ्रू ब्रेन तक लेकर जाते हैं प्रिंसिपल मैकेनो रिसेप्टर्स आर टेक्टाइल ऑर्गन कंपेनिफॉर्म ऑर्गन कॉर्डोटोनल ऑर्गन एंड स्टेटिक ऑर्गन हम एक के बाद एक इन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला है टेक्टाइल ऑर्गन इसे हम टेक्टाइल सेंसिला भी कहते हैं यह ऑर्गन में ग्रुप ऑफ हेयर या रोज में हेयर पाए जाते हैं यूजुअली ये हेयर जॉइंट्स में या लेग सेगमेंट के में पाए जाते हैं इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि क्यूटिकल डिस्टल सेगमेंट के क्यूटिकल और उसी तरह से प्रॉक्सिमल सेगमेंट का क्यूटिकल हमें दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेनस क्यूटिकल पाया जाता है जो कि जॉइंट में क्यूटिकल होता है इसमें हमें फ्लेक्शन दिखाई देता है इस फ्लेक्शन के कारण यह मेम्ब्रेनस क्यूटिकल डिस्टल सेगमेंट के क्यूटिकल के एडजेसेंट होता है डिस्टल सेगमेंट के क्यूटिकल में हमें हेयर सेंसिला दिखाई देता है यहाँ पर हेयर प्लेट में बहुत सारे हेयर पाए जाते हैं एक बात बड़े ध्यान देने की है कि इन हेयर का जो हेयर प्लेट में जो हेयर पाए जाते हैं इनका साइज़ डिफर करता है जब भी जब भी जॉइंट्स में किसी तरह का मूवमेंट होता है मैकेनिकल मूवमेंट होता है तब यह मेम्ब्रेनस क्यूटिकल में फ्लेक्शन उत्पन्न होता है इस फ्लेक्शन के कारण यह हेयर प्लेट पर पाए जाने वाले हेयर्स को प्रेस करता है जिससे कि हेयर बेंट होते हैं यह फ्लेक्शन कितना है अर्थात एक्सटेंट ऑफ फ्लेक्शन कितना है इस पर यह इससे इस कितने हेयर बेंट होंगे यह निर्भर करता है मतलब यह है कि जब मेम्ब्रेनस क्यूटिकल में ज़्यादा फ्लेक्शन होता है तो ज़्यादा हेयर बेंट होते हैं और यदि कम कम फ्लेक्शन होता है तो कम हेयर बेंट होते हैं इस तरीके से एम्पलीट्यूड ऑफ इम्पल्स जो है वह निश्चित होता है और इस तरह से जो मैसेज है वह ब्रेन तक पहुँचता है टेक्टाइल ऑर्गन या ट्राइकॉइड सेंसेला का अब हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जैसे कि हमने पहले जाना कि ये जॉइंट्स में पाए जाते हैं और लेग रीजन में पाए जाते हैं ये ये बल्कि कई बार पूरी बॉडी एंटायर बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इनके स्ट्रक्चर में हमें क्यूटिकल से बना हुए हेयर्स पाया जाता है और यह हेयर एक सॉकेट में रहता है हेयर हमको सॉकेट में दिखाई देता है संपूर्ण सेंसिला में दो मुख्य तरह की सेल्स होती हैं एक है ट्राइकोजन सेल जिससे कि हेयर का निर्माण होता है और दूसरी ट्रोमोजन सेल्स यह सेल्स सॉकेट का फॉर्मेशन करती हैं ये दोनों ही मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती हैं इंसेक्ट में हम एपिडर्मिस को हाइपोडर्मिस भी कहते हैं क्योंकि यह सिंगल लेयर है जो कि जस्ट बिनीथ द क्यूटिकल पाई जाती है इसी से क्यूटिकल का निर्माण भी होता है तो जो एपिडर्मल सेल्स हैं इन्हीं में से कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर ट्राइमोजन सेल्स और ट्राइकोजन सेल्स का निर्माण करती है हेयर के बेस पर हम यह देखते हैं कि जो सेंसरी सेल्स हैं उसका डेंड्राइट हेयर के बेस तक पहुंचता है और इस हेयर बेस तक यह डेंड्राइट पहुंचता है और इस डेंड्राइट्स के चारों तरफ एक क्यूटिकुलर शीत का निर्माण होता है जिसे कि हम स्कोलोपेल कहते हैं यह स्कोलोपेल डेंड्राइट के चारों तरफ क्यूटिकुलर शीत के रूप में पाया जाता है किसी किसी इंसेक्ट में इस स्कोलोपेल के ऊपर एक कैप लाइक -like स्ट्रक्चर भी बनता है जिसे कि हम स्कोलोपेल कैप कहते हैं चूँकि स्कोलोपेल और स्कोलोपेल कैप क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर हैं इस वजह से प्रत्येक मोल्ट में ये रिप्लेस होते हैं टेक्टाइल ऑर्गन के बारे में हम कुछ और डिटेल बात देखें तो टेक्टाइल ऑर्गन मेजर टेक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में पाए जाने वाले ये डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और ये टेक्टाइल ऑर्गन एंटीना में टारसी में टीबिया में सरसाई में पाए जाते हैं इसके अलावा भी यह कई जगहों पर पाए जाते हैं जिसे हम अभी आगे देखेंगे ट्राइकॉइड हेयर प्लेट जो हैं वह जॉइंट्स में भी पाए जाते हैं अलग अलग अपनडिजेज के जॉइंट्स में भी मिलते हैं ये ऑर्गन्स प्रोप्रियो रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं और माइन्यूट मूवमेंट को भी परसीव करते हैं सेगमेंट्स के बीच में होने वाले स्लाइडिंग मूवमेंट जॉइंट के बीच में होने वाले माइन्यूट मूवमेंट्स को ये परसीव करते हैं टेक्टाइल सेंसिला जो एंटीना और लोअर सेगमेंट में पाए जाते हैं और लेग सेगमेंट्स के लोअर रीजन में पाए जाते हैं वे अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस को परसीव करते हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में ये इस तरह का कार्य करते हैं उदाहरण के लिए और वगैरह में एक्वेटिक इंसेक्ट जैसे कि गैरिस वगैरह में हम देखते हैं कि यह वाटर बॉन्ड वाइब्रेशंस को भी परसीव करते हैं आइए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें इसे हम कहते हैं कंपेनिफॉर्म सेंसिला कंपेनिफॉर्म सेंसिला हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह डोम शेप्ड क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर होता है यह डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होने के कारण इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ रेडिएट नहीं करता है यह डोम ओवल शेप का भी हो सकता है और इलिप्टिकल शेप का भी साथ ही यह कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं और कॉनकेव भी यदि डोम कॉन्वेक्स है तो यह कॉन्वेक्सिटी की वजह से बाहर से हमें बाहर की तरफ उभार दिखाई देगा और यदि यह कॉन्वेक कॉन्केव है तो हमें एक डिप्रेशन दिखाई देगा यह ट्वेंटी टू थर्टी माइक्रोन डायमीटर के होते हैं इसमें भी हमें स्केलेटल रॉड या स्कोलोपेल दिखाई देता है जैसे कि हमने पहले देखा यह स्कोलोपेल डेंड्राइट को एनसर्कल करता है डेंड्राइट्स सेंसरी सेल से निकलते हैं और यह स्कोलोपिल के द्वारा घिरे हुए होते हैं और यह डोम शेप के बेस तक पहुंचते हैं इस तरह से डोम और उन सेंसरी हेयर जिस भी तरह का परसेप्शन को परसीव करते हैं डेंड्राइट से यह परसेप्शन सेंसरी सेल तक और फिर सेंसरी सेल से यह एक्जॉन के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है कंपेनिफॉर्म सेंसिला विंग के बेस में हॉल्टर्स में सरसाई में फेमोरा के बेस में या टार्सल सेगमेंट्स में पाए जाते हैं ये क्यूटिकुलर स्ट्रेच को सेंस करते हैं और क्यूटिकुलर स्ट्रेच या फोर्स जो एक्सर्ट होता है मसल्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो स्ट्रेच क्यूटिकल पर पड़ता है उससे ये कंपेनिफॉर्म सिलसिला स्टिम्युलेट होते हैं इस तरह से इनका फंक्शन भी प्रोपियोरिसप्टर की तरह होता है और ये मैकेनिकल स्टिव्युलाई को रिस्पोंड करते हैं अब तीसरे तरह का ऑर्गन हम देखेंगे कॉडोटोनल ऑर्गन कॉर्डोटोनल ऑर्गन स्पिंडल शेप ग्रुप ऑफ स्कोलेपोफोर्स से मिलकर बनते हैं ये इंट्राविसरल विसरल मैकेनोरिसेप्टर्स हैं ध्यान रखिए कॉर्डोटोनल ऑर्गन इंट्राविसरल हैं अर्थात इनका जो टर्मिनल स्ट्रक्चर है यह कभी भी क्यूटिकल से बाहर नहीं निकलता बल्कि क्यूटिकल के एपिडर्मल सेल के बेस पर ही यह ख़त्म हो जाता है जबकि पहले दो स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े टेक्टाइल ऑर्गन और दूसरा कम्पेनिफॉर्म ऑर्गन ये दोनों क्यूटिकल तक इनके स्ट्रक्चर्स क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स पहुंचते हैं पोजीशन के आधार पर कॉर्डोटोनल ऑर्गन दो तरह के होते हैं इंटेगुमेंटल और सब इंटेगूमेंटल ये लेग्स के में पाए जाते हैं स्पेशली फेमोरल रीजन में डिस्टल टीबिया में टीबियोटॉर्सल रीजन में एबडोमन में भी पाए जाते हैं ये एक्सटर्नल प्रेशर बॉडी पर जब एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट होता है या फिर सेगमेंट्स में कोई पैसिव मूवमेंट होता है मसल में कोई टेंशन उत्पन्न होता है या फिर इंटरनल प्रेशर में कोई चेंज आता है जैसे ब्लड के कारण या ट्रैकिया में एयर प्रेशर के कारण या मैकेनिकल वाइब्रेशंस के कारण जो भी इंटरनल प्रेशर चेंजेस होता है उसे कॉर्डोटोनल ऑर्गन सेंस करते हैं और उससे ये स्टिमुलेट होते हैं आइए अब कार्डोटोनल ऑर्गन के स्कोलेपोफोर का स्ट्रक्चर देखें स्कोलेपोफोर में भी तीन तरह की सेल्स होती हैं जैसे हमने पहले देखा फर्स्ट है कैप्सल इस कैप में टर्मिनल लिगामेंट पाया जाता है जो कि एपिडर्मल सेल्स के बेस तक हाइपोडर्मिस के बेस तक बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुँचता है इसे हम स्कोलोपल कैप भी कह देते हैं यह स्कोलोपल कैप की तरह काम करता है दूसरी तरह की सेल्स जो हैं वह एनवलप सेल्स होती हैं और ये एनवलप सेल्स जो हैं वे ए, इस, वे एनवलप करती हैं सभी स्ट्रक्चर्स को और सेंसरी रॉड से, का निर्माण भी होता है स्कोलोपेल इस सेंसरी ये, ये जो सेकेंड सेल एनवलप सेल्स से, हैं जो कि एक कैविटी को या वैक्यूल को एनसर्कल करती है स्कोलोपेल उस लिक्विड फिल्ड कैविटी या वैक्यूल में तक कम्युनिकेट करता है और इस कैविटी में यह फ्रीली वो मूव कर सकता है ये दोनों ही तरह की सेल्स हाइपोडर्मल ओरिजिन की होती हैं तो देखिए हम स्कोलोपल कैप है और स्कोलोपल कैप के नीचे हम देखते हैं कि कैप्सल्स हैं और वेक्यूल्स हैं एनवलप सेल है। जिस तरह से डेंड्राइट्स से, सेंसरी सेल के डेंड्राइट्स स्कोलोपेल के द्वारा कवर्ड रहते हैं और हेयर स्ट्रक्चर या क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर के बेस तक पहुँचते हैं वैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं लिगामेंट या स्कोलोपेल कैप के बेस तक डेंड्राइट्स रीच करते हैं पहुँच पहुँचते हैं या रन करते वहाँ तक ये सेंसरी सेल्स तक पहुँचते हैं और सेंसरी सेल्स से फिर एग्जॉन्स निकलते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेकर जाते हैं कॉन्ट्रोटोनल ऑर्गन कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिन्हें है हम जिनमें से पहला है ऑर्गन। ऑर्गन कोलंबला और डाइप्यूरा को छोड़कर अन्य सभी इंसेक्ट्स के सेकेंड एंटीनल सेगमेंट में पाए जाते हैं ये स्ट्रक्चर्स ग्रुप ऑफ कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स होते हैं और ये रेडियली अरेंज्ड रहते हैं इनकी रेडियल अरेंजमेंट दो लेयर्स में रहती है एक प्राइमरी लेयर और दूसरा ये सेकेंडरी सेकेंडरी हम ये देखते हैं कि एक एंड इन जॉन्स्टन्स ऑर्गन का एक एंड सेकेंड और थर्ड इंटेगोमेंटल मेम्ब्रेन इंटर सेगमेंटल मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है और एक दूसरा सिरा जो है वो सेकेंड सेगमेंट की वॉल से अटैच रहता है जिस तरह से हमने अन्य सेंसिलम के बारे में पढ़ा था कि सेंसिलम जो है वो स्कोलोपल से डेंड्राइट के द्वारा अटैच रहता है और सेंसरी सेल से एक्जॉन निकलते हैं ये एग्जॉन्स हम देखते हैं एंटरनल नर्व्स के साथ जॉइंट हो जाते हैं और इस तरह से मैसेज जो है वह ब्रेन तक पहुंचता है जॉन्स्टन्स ऑर्गन फ्लाइट स्पीड्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में और एरियल इंसेक्ट्स में और एक्विटिक में या ओरिएंटेशन इंसेक्ट को पानी में ओरिएंट करने का काम करते हैं कैलिफोरा के जॉन्स्टन्स ऑर्गन पर काफ़ी कार्य किया गया और यह देखा गया कि इनके सेंसिला फिजिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इमीजिएटली आफ्टर मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला तो तो फ्लैजम के मूवमेंट से जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है वह ऑफ एंड ऑन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है तो मूवमेंट के साथ ही तुरंत एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा और तुरंत ही यह ऑफ हो जाएगा अर्थात नर्व जो है वो रिस्टिंग मेम्ब्रेन में, 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 में पोटेंशियल को में आ जाएगी ये ऑर्गन कई तरह के कार्य करते हैं जैसे ग्रॉस हॉपर में यह एयर स्पीड इंडिकेटर की तरह कार्य करता है कुछ इंसेक्ट्स में यह पोजीशन में यदि इंसेक्ट की पोजीशन में किसी तरह का चेंज होता है यदि स्टैटिक पोजीशन में कोई डिफ्लेक्शन हो जाता है इंसेक्ट तिरछा हो जाता है या उनकी पोजीशन में चेंज आता है तो यह परसीव करता है लोकस्ट में यह फ्लाइट की स्पीड को रेगुलेट करता है और गायरिनी डी बीटल जो कि एक्वेटिक बीटल है उसमें यह वाटर रिपल्स को परसीव करने का काम करता है दूसरी तरह का स्पेशलाइज्ड कार्डोटोनल ऑर्गन है सब्जीनल ऑर्गन सब्जीनल ऑर्गन टीबियल सेगमेंट जो लेग का होता है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में पाया जाता है सब्जीनियल ऑर्गन कभी भी जॉइंट्स में नहीं पाया जाता है प्रत्येक ऑर्गन 30 से 40 स्कोलोपीडिया से मिलकर बना होता है और यह एसेसरी स्ट्रक्चर्स से एसेसरी ग्लैंड होती है उनके अटैच होता है स्कोलपल जो है वो अटैचमेंट बॉडी से जुड़ा हुआ होता है ये अटैचमेंट बॉडी एसेसरी सेल्स से के प्रोसेस होते हैं ये प्रोसेसेस एक तरफ क्यूटिकल से और दूसरी तरफ ट्रैकिया के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। तो क्यूटिकल में होने वाले किसी भी तरह के वाइब्रेशंस या किसी भी तरह के परिवर्तन को यह अटैचमेंट सेल्स परसीव करते हैं और यह स्कोलोपेल तक पहुंचाते हैं स्कोलोपेल के बेस पे हम देखते हैं डेंड्राइड्स होते हैं जो कि सेंसरी सेल्स तक मैसेज लेकर जाते हैं और फिर ये नर्व से कनेक्टेड होते हैं सब जीनियल ऑर्गन ओडोनेटा ऑर्थोप्टेरा और डिक्टियोप्टेरा में हाइली डेवलप्ड होते हैं सबजीनियल ऑर्गन सबस्टेटम के वाइब्रेशंस के लिए एयरबोर्न साउंड्स uh, के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं ये स्पेशली हाई सी फ्रीक्वेंसी साउंड को परसीव करते हैं नेक्स्ट है टिम्पेनल ऑर्गन टिम्पेनल ऑर्गन मॉडिफाइड डोटोनल ऑर्गन होते हैं जो कि हियरिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं प्रत्येक ऑर्गन में एक थिन क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन होती है जिसे कि हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या टिम्पेनम कहते हैं इस मेम्ब्रेन के पीछे ट्रैकियल एयरसेक्स पाया जाता है जो इसे सपोर्ट करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को कट ओपन करके हमें यह ऑर्गन यह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें कि हमें ग्रुप ऑफ कॉर्डोटोनल सेंसिला दिखाई देती हैं यह ग्रुप ऑफ कॉर्डोटोनल सेंसिला लीनियर फैशन में अरेंज्ड हैं जो कि टिम्पेनम के ठीक नीचे पाई जाती हैं और यह वाइब्रेशंस को परसीव करती हैं हमेशा की तरह यह डेंड्राइड्स के द्वारा सेंसरी सेल्स तक मैसेज लेकर जाती हैं जो कि फिर नर्व्स तक के द्वारा आके पहुँचाया जाता है टिम्पेनम मॉर्गन का लोकेशन अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग होता है ग्राइली में यह प्रोथोरेसिक रीजन में पाया जाता है हाइड्रोकोरिसीडी में कोरिसी में या मिजोथोरेक्स में नोटोनेक्टिडी में मेटाथोरेक्स में नोक्टिडी में फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट और साइकेडीडी में सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट में सेटरिडी में यह विंग बेस पर पाया जाता है जब कोई भी साउंड वेव्स टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर पड़ती हैं तो यह टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या है यह इस बात पर निर्भर करता है कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी है और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है नेक्स्ट है स्टेटिक ऑर्गन स्टेटिक ऑर्गन्स भी प्रोप्रियोरिसेप्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं और इंसेक्ट को ओरिएंट करते हैं ग्रेविटी के साथ एक्वेटिक लार्वा लिम्नोफिलिक फेसिपेनिस में यह ऑर्गन एक पेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ब्लाइंड एंड पर सेंसरी हेयर पाया जाता है तथा इनके ल्यूमन में स्टेटोकोनिया नामक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं यह सैक लगातार वाटर यह सैक लगातार पानी से फिल किया जाता है और एमटी किया जाता है सो द सैक इज़ फिल्ड एंड एमटीड विथ वाटर रिदमिकली बाय पंपिंग एक्शन विच कॉज स्टेटोकोनिया टू फॉल अप ऑन द सेंसरी हेयर तो यह पानी के लगातार बाहर और अंदर आने के कारण स्टेटोकोनिया सेंसरी हेयर पर गिरते हैं कितने स्टेटोकोनिया हेयर पर गिर रहे हैं और किस एंगल से गिर रहे हैं इससे परसीव किया इस सेंसरी हेयर परसीव करते हैं और यह मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है जो कि इंसेक्ट की पोजिशन को बताते हैं फ्लाइंग में स्टेटिक स्टेटिक ऑर्गन यूजुअली विंग बेस पर रेडियस और कोस्टल वेन के बेस पर पाए जाते हैं और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करते हैं फ्लाइट के दौरान इस तरह से आज हमने विभिन्न प्रकार के मैकेनोरिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा प्रत्येक तो तरह के मैकेनो रिसेप्टर का एक विशिष्ट स्ट्रक्चर है और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं लेकिन वे सभी प्रोपियो रिसेप्टर्स की तरह कार्य करते हैं यह पूरा लेक्चर तैयार करने में मैंने जिन बुक्स को रेफर किया है वो मैंने यहाँ पर दिखाया है मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसे ही पूरा ना कर समझ कर और भी रेफरेंस बुक आप तलाशिए और भी रेफरेंस बुक रेफर करिए और अपना स्टडी को ज़्यादा विस्तृत बनाइए थैंक यू बोर्ड